भक्ति अगर करना चाहते हो तो गुरु ने जो नाम की दीक्षा दी है उसमें मन में टिका के दूसरी चीजों की तरफ से अपने ध्यान को और अपने मन को हटाओ, वो पदार्थों की जो होड़ लगी है ग्रहण करने की, उनको प्राप्त करने की, उनका संग्रह करने की, उस ओर से जब ध्यान हटेगा तब आपका मन उस तरफ जोड़ेगा। बिना संसार की तरफ से मन हटाए उस तरफ नहीं जोड़ते, लेकिन संसार को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, काम को नहीं छोड़ना, सारे काम करते रहो, ईमानदारी से करो, सच्चाई के साथ करो, हमारी जिम्मेवारी है, कर्तव्य को निभाओ, जो जिस हालात में माँ है तो माँ का कर्तव्य निभाओ, पिता पिता का निभाओ, भाई भाई का, पुत्र पुत्र का निभाओ, जिस हालत में वो धर्म है उसका, और धर्म किस चीज़ का नाम है, जो जिस हालात में और जिस संबंध से जुड़ा है उसमें अपने पूरे नियमों का पालन करते हुए सच्चाई के साथ जो बरतता है वो अपने धर्म को निभाता है, इसलिए वो धर्म है। अगर किसी धर्म से बंध जाना, मैं बुद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, या मैं कुछ हूँ, इनसे बंध के अगर हम बुरे काम करते क्या फ़ायदा है। काम धर्म में जाते हुए दिखाई देते, सत्संगों में जाते हुए दिखाई देते, कर्म नहीं बदलते। कर्म जब तक हमने नहीं बदला है तब तक हमारा बेकार है किसी जगह पे जाना, उनके नियमों को मर्यादाओं का पालन करने से हमारा मन बदल जाएगा, अच्छे गुणों का संग्रह हमारे दिल में होगा, जिसके कारण हमारा ये संसार भी सुखी होगा, और जब संसार को छोड़ के जाएंगे तो परलोक में भी हमें सुख मिलेगा। ये महान दिन अगर गुरु पर्व को आप सत्संगी होके मानते हो कि ये बिल्कुल महान दिन है, और आप गुरु के भक्त हो और नाम को मानते हो, अपने जीव का कल्याण चाहते हो, तो इस संकल्प लेके जाएं कि हम मन से वचन से कर्म से किसी का बुरा नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम अपने मन को तन को अच्छे कामों में सेवा में लगाएंगे, किसी को भी कष्ट दुख नहीं देंगे। कष्ट दुख देने का जबान से भी देते हैं, शरीर से भी देते हैं और मन से भी देते हैं। मन में अगर किसी के प्रति बुरी भावना उठाते हैं तो मन से किसी को कष्ट देना है, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये भावनाएं, ये वासनाएं, ये दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात हैं, ये हमें भक्ति के रास्ते पर नहीं चलने देंगे। जब हमारा ख्याल पुख्ता होगा, सच्चा होगा, गुरु ज्ञान से भरा हुआ होगा, जब भी एकांत में बैठे होंगे, भक्ति की, नाम की और सुमरण करने की हमारी लालसा जो जो बढ़ती चली जाएगी, क्यों तो हम भक्ति में उन्नति पाएंगे, हमारा मन भी पवित्र होगा, जीवन भी सुखी होगा, और आप पाओगे कि आपका पूरा संसार ही सुखी हो जाएगा। क्योंकि जब हमें समझ आ जाती है तो हमारी परेशानी नहीं रहती है, हम उन परेशानियों के मूल को समझ जाते हैं कि परेशानियों का कारण क्या है। जब इंसान कारण को समझ जाता है, समझा कि एक आदमी को भारी से भारी दुख हुआ है, उसको पता है कि ये दुख का कारण है मेरा कर्म है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि काया का दुख इंसान को अपने जो रोग हैं उनका परिणाम है ही, जो कर्म हम करके आए हैं उसी के परिणाम से हमें ये दुख और सुख मिला करते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे दुनिया में, अगर बुरे कर्म करोगे तो कोड़ी कंगले भिखारी मंगते बन के आओगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की दरकार नहीं है, गुरु की भक्ति करोगे, नाम की कमाई करोगे और नाम का अभ्यास करते हुए अपने आप को निर्लेप कर लोगे, तो आपको ना संसार में सुखी होके या अच्छे बन के आना, ना दुखी होने के लिए आना, आप तो सदा के लिए मुक्त हो जाओगे और कभी भी फिर संसार में ना जन्म लेना, ना मरना, ना जीना। संतों का तो ये मार्ग है कि जीव का आवागमन से पीछा छुटवाते हैं। जब तक ये जीव मरता जीता है, संसार का मुसाफिर है, आता है जाता है, इस काल और माया के देश में जिसको देखोगे दुखी दुखी है, इसलिए इसको दुखों का घर कह दिया। लेकिन संतों ने इसको सुख का सागर भी कहा है कि सुख सागर में आके अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए, नाम नहीं कमाया, गुरु की शरण में नहीं गए, अपने कर्मों को नहीं सुधारा, तो हमने अपने इंसान के जीवन को व्यर्था खो दिया। इसलिए मैंने तो गुरु के ज्ञान का बखान किया है, मैंने अपने गुरु से यही पाया है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अमली जामा पहना के अगर कोई भी बात उन्होंने कही तो उन्होंने उस चीज़ को अपने जीवन में उतारा, उन्होंने जो किया वो करके दिखाया।
और वही संदेश हमें देखे गए हैं कि बुराइयों से जो इंसान निकल जाता है उसकी चाहे कोई बुराई करो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लेकिन किसी को दुख तुम अपनी तरफ से ना देने का प्रयास करो, क्योंकि फिर तुम्हें दुख नहीं होगा। संसार दुखों से भरा हुआ है, तुम अगर उनके दुखों को दूर करना चाहोगे नहीं कर सकते। लेकिन प्रयास ये करो कि उनको जितना ज़्यादा हो सके सुखी बनाने का, उनकी मदद करने का, जिस रूप में भी तन से मन से धन से उनको जिस प्रकार से आप सहायता कर सकते हैं उनकी मदद करो, ताकि उसके बदले में आपको सुख मिले और उस सुख के कारण आपके हृदय में पवित्रता शुद्धता ही आए, जिसके कारण आपको नाम जपने में भक्ति करने में शक्ति मिले, प्रेरणा मिले और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ो। तो भाई संदेश यही साफ है, जब जब भी सत्संग में आओगे, जब जब भी आपको अवसर मिलेगा, जितनी देर के लिए भी एकाग्रचित होके तुम उन बातों को सुनोगे तो दिल में ज़रूर ये भावना पैदा होगी कि हमें भी बुरे कामों से छुटकारा पाके भक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो। और यही बात जब जीव के दिल में समा जाती है तभी वो अच्छा कर पाता है। तो इस दिन के लिए मैंने पहले भी कहा था, आप सभी ये संकल्प लेके जाओ कि हम अच्छे से अच्छे करेंगे। अगर किसी में कोई बुरी आदत है, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू हुक्का की बहुत अच्छी आदत है, संगत में कोई एक आध मुश्किल से ऐसा चोर आदमी होगा, वो भी संगत का भी चोर, गुरु का भी चोर और अपनी आदत से वो लाचार, क्योंकि एक छोटी सी बुरी आदत को नहीं छोड़ता, चोरी करता है, लुक छिप के वो पिएगा, क्या है बीड़ी पी लेगा, सिगरेट पी लेगा, बीमारी खरीदता है। जिन चीज़ों से तुम्हारा हित होता है, तुम्हारी भलाई होती है, उसको छोड़ने में तुम्हें क्यों इतना दुख होता है? और फिर कोई दूसरा नहीं, तुमने वो बुरी आदतें खुद लगाई हैं, खुद छोड़ दो। तो अच्छी आदत भी खुद लगाओ ना, भक्ति भी तुम खुद ही करोगे। कह देते हो गुरु जब दया करेगा, गुरु आशीर्वाद देगा तब होगा, रे गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा होता है। जो आदमी ऐसा कहते हैं वो टालने का बहाना करते हैं, उनका मन काबू में नहीं होता, वो मन के गुलाम बन के काम करते हैं। जब मन गुरु को दे दिया तो फिर गुरु तुम्हारे पास अंग संग रहता है, गुरु दूर होता ही नहीं। गुरु को दूर हम करते हैं, अपने ख्यालात से गुरु को जब हटा देंगे गुरु दूर हो गया, अपने ख्यालात में गुरु को बसा लेंगे गुरु हमेशा साथ रहता है। कबीर साहब ने इसी के लिए कहा ना कि गुरु माथे से उतरे और शब्द भी होना हो। माथे से उतरने का मतलब है जब गुरु तुम्हारी याददाश्त से हट जाएगा तो शब्द भी होने हो जाओगे, भक्ति से दूर चले जाओगे। इसलिए गुरु को कभी मस्तिष्क से ना हटाओ, अपनी याद से ना हटाओ, हमेशा उनके अंग संग रखो गुरु, तो आप कभी गलत काम की ओर जाओगे नहीं। सोचोगे कि गुरु ने मुझे इस चीज़ का प्रण दिया था, गुरु ने ये मर्यादा बांधी थी, मर्यादा जो भी तोड़ देता है उसको दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए गुरु की बनाई मर्यादा में जब रहोगे, भक्ति गुरु भक्ति है क्या? गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु कौन सी आज्ञा का पालन करवाता है? वो तो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, बुरे काम ना करो, बुरी आदत छोड़ो, अच्छे गुणों को अपना लो, वो हमारे काम आएंगे, गुरु के काम नहीं आएंगे। काम जीवन तुम्हारा बनेगा, बुरी आदतें तुम्हारी छूटेंगी, लाभ आपको होगा। मान लिया एक आदमी नशा करता है, शराब पीता है, शरीर का रोग उसको लगेगा, धन की बर्बादी उसकी होगी, परिवार में तबाही उसकी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चे उसके भूखे मरेंगे, काम नहीं करेगा, झूठ वो बोलेगा, चोरी वो करेगा, रोगी हो गया, चोर हो गया, झूठा हो गया, परिवार का दुश्मन हो गया, दूसरे लोग नफरत करेंगे, कोई भी देखेगा कहेगा कि क्या है, कितना भी अच्छा इंसान हो कहेंगे शराबी है, कितनी भी अच्छी बात कह देगा कि क्या बात है इसकी, ये ऐसे ही बोलता है। जिसकी बात की कोई कदर नहीं रहेगी वो इंसान है क्या? ना घर में कदर ना बाहर कदर, बर्बादी अपनी, पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, और नरकों में वासा होता है, शरीर छोड़ के जाता है तो नरकों में जाना पड़ता है। तो फिर क्यों ना उस बुरी आदत को छोड़ दे, धन उसका बचेगा, शरीर की तंदुरुस्ती उसकी होगी, घर में शांति उसकी होगी, काम उसका संवरेगा, लोग इज्जत उसकी करेंगे, अरे सारे के सारे सुख जिस चीज से मिलते हैं, गुरु ने क्या बुरा कह दिया? गुरु को उससे क्या मिला? गुरु को तो इतना ही मिला होगा
कि ये अब वहाँ जाता है इसलिए सुधर गया। कितने लोग दिनोद के ऐसे थे, शराब सुल्फा गांजा पीते थे, अब वो सब के सब जब छोड़ गए तो लोग कहते हैं अब दुनिया तो ऐसी है, ये तो आदमी जब ठीक होता है उसको देख के खुश नहीं होती, और जब वो गलत रास्ते पर जाता है, शराब के ठेके की तरफ जाता है, तो आदमी चौड़ी छाती करके जाता है, जैसे मंदिर में मत्था टेकने जाता है, वहाँ जाके गिड़गिड़ाता है, पैसे नहीं होते, हाथ जोड़ता है, घड़ी रख देता है, कपड़े रख देता है, गंदी आदत करवाती है उससे एक काम, उनके पैर तक पकड़ता है, उनको लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं, गाली देते हैं, पर वो थोड़ा सा गंदा पानी जब पिला देते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गलियों में ठोकर खाता फिरता है, क्या मजा है उसमें, उसमें इज्जत होती है। और एक आदमी जब सही जगह पर जाता है, बुराइयों को छोड़ता है, फिर कहते हैं आजकल तो यो भी वहाँ जाने लग गया, सत्संग में जाने लग गया, अरे तुम इसका बुरा क्या कर दिया, सत्संग को बुरा मानते हो, देखो दुनिया की चाल, अच्छी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, बुरी चीज़ के बारे में क्या करते हैं, अपनों की महफिल में परायों का जिक्र करते रहते हैं, महफिल उनकी खुद की होती है, जिक्र उनका होता है, देखो दुख कष्ट किसी सुखी कोई होता है, दुख और कष्ट उनको उनसे ज़्यादा होता है, अगर कोई बिगड़ता हुआ सुधरता है तो उसको श्रद्धा उसकी बढ़ानी चाहिए, उसको सुधार के लिए प्रेरित करना चाहिए, नाम के लिए तो 2 मिनट आप कभी भी बैठोगे, 4-10 मिनट बैठोगे, बैठने में कोई वो नहीं है, नाम का सुमरण करोगे एकाग्रचित हो जाओगे, लेकिन जब तक तो बुराई भरी पड़ी है कैसे एकाग्रचित हो जाओगे,